मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार संक्रमण को काबू में करने के लिए कई प्रयास भी कर रही है। इसी दौरान मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 से निपटने के लिए बहुत इंतजाम है और अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और बेड की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि अब कांग्रेस जाने कि उन्हें किस तरह के बाबाओं की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब ये किसका सहारा ले रहे हैं, किसका सहारा नहीं ले रहे, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लक्ष्मण सिंह जी हर समय बेबाकी के साथ कांग्रेस की वस्तुस्थिति को बताते रहते हैं। किसी संत के बारे में हमें ऐसी टिप्पणी करने का कोई शौक नहीं है, हम उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, पर मेरा मानना है कि कांग्रेस की स्थिति बस से बदतर है। कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में केवल भ्रष्टाचार हुआ। इन्होंने अपनी जिंदगी कांग्रेस के गुर्गों की, कांग्रेस के दलालों की और कांग्रेस के तथाकथित मंत्रियों की जिंदगी का मास्टर प्लान बनाया था, भोपाल का मास्टर प्लान नहीं बनाया था। जो इतनी छाती ठोक ठोक कर बातें कर रहे हैं उनको ये पूछिए कि अपने बच्चों को अमेरिका से छुट्टी दिलाकर भोपाल क्यों बुलाया था। ये मास्टर प्लान भोपाल के विकास का नहीं था, ये मास्टर प्लान कांग्रेस के मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं के विकास का मास्टर प्लान था। और ये भ्रष्टाचार यदि बेईमानी करके कोई स्थिति बनेगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मास्टर प्लान जरूर आएगा, पर यदि मास्टर प्लान में किन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ज़मीनों में फ़ायदा लेने के लिए कुछ बदलाव किया होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका पूरा आकलन होगा। मास्टर प्लान आना चाहिए, ये तो हमारा सब लोगों का संकल्प है। मास्टर प्लान किसी भी शहर के विकास की इबारत लिखता है, तो मास्टर प्लान लाने में कहाँ किसी को दिक्कत है। हम तो आगे बढ़कर मास्टर प्लान लाएंगे, पर कांग्रेस के नेताओं की दलाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मास्टर प्लान में और इसकी पूरी प्रक्रिया में किन किन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ज़मीन को बेशकीमती बनाने के लिए उसमें परिवर्तन कराया, इसकी जाँच होगी। पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हर तरह की समस्या के हल के लिए तैयार है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी रोज इस पूरे मामले की समीक्षा करते हैं, हमें निर्देशित करते हैं। और इसीलिए जैसे भोपाल में हमने लॉकडाउन बढ़ाया, तो भोपाल में इस संक्रमण की चेन तोड़ना और जो संक्रमित हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको समुचित इलाज देना, यही हमारा उद्देश्य है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में समुचित बिस्तर की व्यवस्था है, ये मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में किसी भी शहर में किसी भी स्थान पर बिस्तरों की कमी नहीं है। और जो इस पूरी संक्रमण का, इस बीमारी का प्रोटोकॉल है, चाहे वो कंटेनमेंट की बात हो, चाहे वो क्वारंटीन करने की बात हो, चाहे आइसोलेशन की बात हो, चाहे बिना ऑक्सीजन के बिस्तर की बात हो, ऑक्सीजन के युक्त बिस्तर की बात हो, चाहे आईसीयू की बात हो, हम समुचित प्रबंध किए हुए हैं। पहले फेज में हमने 31 अगस्त तक की पूरी तैयारी की है, जो एस्टिमेटेड जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है हर शहर में क्या स्थिति बनेगी उसका आकलन करके ही बिस्तरों की व्यवस्था है, उसका पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स की व्यवस्था, ये सब चौक चौबंद है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।